So now guys, we come to problem number 1.5. It's a bit different. इसको understand करने के लिए हमें थोड़ा सा focus करना पड़ेगा. वो कहते हैं कि जी two steel plates हैं. जिसमें okay. Steel plates are held together by mean of a 16 millimeter diameter high strength steel bolts. ये जो bolts लगे हुए हैं ये वाले black वाले, इनका diameter उसने बताया था कि ये जो इंटरनल डायमीटर है इसका ये है 16. कितना है जी? 16 मिलीमीटर. क्लियर है? ओके. एंड बोल्ट फिटिंग स्नगली इनसाइड सिलेंड्रिकल स्पेसर बार्स. ये जो दो चीजें लगी हुई ये रेड वाली, ये स्पेसर्स बार हैं. ये क्या है? स्पेसर बार. ये आपको क्रॉस सेक्शन व्यू कट करके दिखाया गया कि दो स्टील प्लेट्स हैं, ठीक है, उनमें दो सुराख किए गए बोल्ट डालने के लिए, लेकिन ये दोनों मिले ना इसलिए इनके बीच में स्पेसर्स बार्स लगा दी सिलेंड्रिकल, जिन्हें हम गुटके भी कहते हैं या वॉशर्स भी कहते हैं, ठीक है ना. वॉशर्स तो बहुत छोटी होती है, उन्हें स्पेसर्स बार कहा जाता है. ये सिलेंड्रिकल स्पेसर बार है, यानी अगर इनका क्रॉस सेक्शन व्यू देखा जाएगा तो वो कुछ इस तरह का होगा अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे, ठीक है. इसके अंदर बोल्ट जा रहे हैं, क्लियर है. तो इसका हमें क्या कहते हैं, इससे हो गया. Knowing that the average normal stress must not exceed 200 megapascals in the bolt, bolt की जो average stress है वो 200 MPa से exceed नहीं करनी चाहिए, and 130 megapascal in spacers bar, और spacers bar की जो है वो 130 megapascal से exceed नहीं करनी चाहिए. Determine the outer diameter of the spacers bar that is the most economical and safest डिज़ाइन. तो हमने क्या करना है, आउटर डायमीटर वो स्पेसिस बार का फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला डायमीटर जिसे हम कह लेते हैं ये डी एस है, और ये जो बोल्ट का डायमीटर था ये हमारा डी पी हो गया. अब अगर आप बॉल की बात किया जाए तो उसने आउटर डायमीटर क्यों कहा, क्योंकि इनर डायमीटर तो उतना ही होगा जितना उसमें से बोल्ट पास आउट करेगा, और बोल्ट का डायमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है 16 dB. तो हमें ये वाला डायमीटर जो है ये पता है, दैट इज dB, और हमें ये वाला डायमीटर जो है ये फाइंड आउट करना है, दैट इज dS. क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं फोर्सेस की. क्लियर है? सो एट ईच बोल्ट लोकेशन द अपर प्लेट इज पुल डाउन. ठीक है, अब अगर हम इस ब्लेड इस एक बोल्ट की बात करेंगे, क्योंकि दूसरा इसी के सिमिलर है, फिगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, सो एडजस्ट विद इट आप बुक से देख सकते हैं. तो अगर आप देखें तो ये जो बोल्ट है जब इसे टाइट करेंगे, ये इस प्लेट को नीचे की तरफ खींच रहा है. क्या कर रहा है? नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, उसे हम कहते हैं पी. क्लियर है? लेकिन इसी टाइम जब ये इसे नीचे दबाना चाह रहा है दोनों साइडों से, तो ये जो स्पेसर बार है ये इसे यहां से और यहां से दोनों जगह से मिलकर ऊपर की तरफ खींचना चाह रही है. क्या करना चाह रही है? ऊपर की तरफ खींच रही है या ऊपर की तरफ पुश कर लिया. इन दोनों को मिला के हम कह देते हैं कि ये जो है हमारे पास जो फोर्स है इसको हम कह देते हैं पी एस है. क्या है जी? पी एस. यानी एट द सेम टाइम बोल्ट जो है वो उसे प्रेस कर रहा है और जो स्पेसर बार है ये इसे रिजेक्ट कर रहा है. लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो दोनों फोर्सेस क्या होंगी? इक्वल होंगी. दैट इज पी बी मस्ट बी इक्वल टू पी एस. यानी प्रेशर ऑफ द बोल्ट या फोर्स ऑफ द बोल्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ द और प्रेशर ऑफ द स्पेसर बार. अब अगर हम बात करते हैं फॉर द बोल्ट, बोल्ट की बात कर, क्लियर. सो हमें बताएं कि सिग्मा बी दैट इज स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ द बोल्ट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बोल्ट. क्लियर? या पी बी या एफ बी वट एवर यू, अगर आप इसे पहले एफ बी लिख लें या पी बी लिख लें, इट डजेंट मैटर. ठीक है, फोर्स लिख लें, प्रेशर लिख लें, इट डजेंट मैटर. अच्छा, फोर्स ऑफ द बोल्ट का नाम हमने दिया हुआ है सिग्मा वी बी विल बी इक्वल टू पी बी. फोर्स को हमने पी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, और एरिया हो जाएगा पाई डी बी स्क्वायर बाय फोर और फोर पी बी डिवाइडेड बाय पाई डी बी स्क्वायर. इज दैट क्लियर?
ठीक है, अगर हम इसे इन टर्म ऑफ पी वी लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास पी वी इज इक्वल टू पी एस है, तो हमारे पास आ जाएगा एस पी बी इज इक्वल टू, क्या आएगा हमारे पास, पाई बाय फोर सिग्मा बी डी बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सिग्मा बी इज इक्वल टू फोर पी बी ओवर पाई डी बी को हमने जी अरेंज किया है और इन टर्म्स ऑफ पी बी लिखा है। ओके, सो नाउ अब हम बात करेंगे फॉर स्पेसर। तो इट विल बी सिग्मा एस इज इक्वल टू एफ ऑफ स्पेसर ओवर एरिया ऑफ स्पेसर, ऐसे ही है। और फोर्स ऑफ द स्पेसर हमारे पास, हमने इसका नाम दिया है पी एस का, टोटल फोर्स का, पाई बाय फोर। अब डायमीटर कितना है स्पेसर का, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्पेसर? असल में जो डायमीटर है वो ये है स्पेसर का, ये डायमीटर तो उसमें होल है, सो हमें इस टोटल डायमीटर में से ये वाला डायमीटर माइनस करना होगा, दैट इज डी एस माइनस डी बी, डी एस स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। और इसे आप सिंपल लिख सकते हैं पाई बाय फोर डी एस स्क्वायर माइनस पाई बाय फोर डी बी स्क्वायर, इट डजेंट मैटर। ठीक है, इसको हम अगर हम रीअरेंज करते हैं, इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं फोर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसे रीअरेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ पी एस। सो पी एस वुड बी इक्वल टू पाई बाय फोर सिग्मा एस, ये सिग्मा एस और ये वाली चीज टोटल इसके साथ चली गई, दैट इज डी एस स्क्वायर माइनस डी पी एस। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ पी बी ऑफ फोर्स ऑन बोल्ट एंड फोर्स ऑन स्पेसर, या प्रेशर ऑन बोल्ट एंड प्रेशर ऑन स्पेसर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज पी बी और पी एस की वैल्यू इसमें यूज करेंगे, यानी पी बी की वैल्यू पुट ऑन करेंगे एंड पी एस की वैल्यू पुट ऑन करेंगे, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। सो इट विल बी पी बी की हमारे पास वैल्यू आई है पाई बाय फोर सिग्मा बी db square is equals to pi by 4 sigma s ds square minus db square. Is that clear? इन दोनों की वैल्यूज हमने पुट की, पाई बाय फोर से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमारा इक्वेशन में क्वेश्चन था हमारे पास कि हमने ds फाइंड आउट करना है, हमें ds की वैल्यू नहीं पता, दैट वॉज ओवर अननोन। तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज ऐसे करेंगे डी एस के टर्म्स में आ जाए। क्लियर? सो सबसे पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिग्मा बी डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एस डी एस स्क्वायर माइनस सिग्मा एस डी बी स्क्वायर। क्लियर है? और हमने डी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डी एस यहाँ रहने देंगे, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, सो सिग्मा बी डी डी बी स्क्वायर प्लस सिग्मा एस डी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एस डी एस स्क्वायर। यहाँ से डी बी कॉमन आ रहा है हमारे पास, सिग्मा बी प्लस सिग्मा एस डी बी स्क्वायर सिग्मा एस डी एस स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, हमें डी एस को सिंगल आउट करना था, तो डी एस स्क्वायर सिग्मा एस से इस टोटल को डिवाइड कर देंगे हम हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी सिग्मा डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा बी ओवर सिग्मा एस प्लस वन डी बी स्क्वायर। क्लियर है? और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे दोनों का,
पास क्या बचेगा जी, डी एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा बी ओवर सिग्मा एस प्लस वन इंटू डी टू और डी बी सॉरी डी बी। तो अब हमारे पास सिग्मा बी की वैल्यू पता है, दैट इज 200 मेगा पास्कल। हम सिंपल करके लिखेंगे 200 × 10⁶ डिवाइडेड बाय 130 × 10⁶ प्लस वन, इसका अंडर रूट ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डी बी की वैल्यू से, दैट इज 16 और 10⁻³। तो हमारे पास डी एस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज डी एस इज इक्वल टू 25.2 मिलीमीटर। तो हमारे पास टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है जी?